सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिटबुल के बारे में। और ये वीडियो यार कोई फैक्ट पे रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ पे नहीं होगी कि मैं आपको इसकी हाइट बता दूंगा, वेट बता दूंगा, ये सब मैं कुछ नहीं करने वाला। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरे पास एक पिटबुल है जैसा कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जिसका नाम है विनी। और मैं उसको यार लगभग 3 साल हो गए उसको मेरे पास रहते हुए, क्योंकि यार उसकी एज अभी 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है और लगभग 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है उस डॉग के साथ। और उसके पहले भी यार मैं बचपन से ही काफ़ी सारे डॉग्स अडॉप्ट कर चुका हूँ, चाहे वो इंडियन ब्रीड हो, स्ट्रीट डॉग्स हो या फिर जर्मन शेफर्ड हो। बहुत सारे डॉग्स हमारे यहाँ हमेशा से ही डॉग्स रहे हैं मेरे पापा के टाइम से। तो यार मैं आपको अपने पूरा भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और यार लाइक तो कर ही देना। और साथ में अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है भाई, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लो। डॉग पिटबुल, इसे APBT बोल सकते हैं, गेम ब्रीड, और देख सकते हो काफ़ी अच्छी है और बहुत फ्रेंडली है। इसका नाम विनी है और ये मेरे पास लगभग 3 साल से है, इसकी एज 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और ये यार थोड़ी मस्ती वाली है। और यार आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप पिटबुल लो तो यार उसका जो प्यार करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे देख सकते हो ये मेरी उंगली चबा रही है एक्चुअली, बट ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगाती, इसको आपको थोड़ा सिखाना पड़ता है। बाकी इसकी आदत यही है कि ये हाथ ऐसे पकड़ के चबाने लगेगी बस ये। तो काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, ये काटते बहुत कम है। आपको यार डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। आप अगर एक पोमेलियन को डॉग को अच्छे से ट्रेन नहीं करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, एक पग भी यार लोगों को काट सकता है। बट अगर आपके पास थोड़ा सा ट्रेनिंग है और थोड़ा सा आप अगर इस पर ध्यान दोगे तो आपके पास कोई भी खतरनाक से खतरनाक ब्रीड होगी, चाहे वो लॉयन तक खुद हो गए, अगर वो शेर भी होगा तो वो भी यार ट्रेंड हो जाता है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर बस। बाकी यार ये बहुत ही अच्छी है और इसकी रेड नोज देख सकते हो। और मैंने इसके ईयर्स हैं वो क्रॉप नहीं करवाए, क्योंकि यार ईयर क्रॉपिंग वैसे तो इनलीगल है लेकिन बहुत सारे लोग करा देते हैं, बट ये गलत है यार। तो यार अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो यार बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर मैं आपको इसकी कुछ शॉट्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसका बाइट फोर्स बहुत तगड़ा है, अगर ये किसी चीज़ को पकड़ लेगी एक बार तो यार आपको छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा अगर आपके लिए। तो इसको छुड़ाने का भी मैं तरीका आपको बता दूंगा अगर आप वीडियो में चाहोगे तो। इसको कितना भी इरिटेट कर लूँ ये बस खेलेगी बस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पिटबुल खतरनाक होते हैं, वो अपने मालिक को खा जाते हैं या फिर बच्चों को खा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यार, सब आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ये देख सकते हो इसको मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बस ये ऐसे हाथ पकड़ेगी बस और उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। ये फुल खेलने के मूड पे है भी नहीं ये इसका खेलना शुरू। हाँ, और अगर आपको इसकी हाइट वगैरह, इसके फैक्ट वगैरह जानने हैं तो आपको यार एक वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, मेरी वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो मैंने काफ़ी पहले वो वीडियो बना दी थी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, इसकी हाइट वेट इन सब को लेकर, इसके प्राइस वगैरह को लेकर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो यार अगर हम इसकी बात करें इसकी अडॉप्टेबिलिटी की, तो यार किसी भी वेदर पे आसानी से रह जाती है। मैं रहता हूँ MP में, तो यहाँ पे वेदर जो होता है वो नॉर्मल रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, तो उस वेदर पे यार नॉर्मली रह लेती है बिना किसी चीज़ के, कोई भी इसको स्पेशल चीज़ नहीं करनी पड़ती। बट अगर आप थोड़ी ठंडी जगह पे रहते हो तो आपको दिक्कत उतनी नहीं आएगी, बट अगर आप कहीं गर्म जगह पे रहते हो तो यार आपको थोड़ा सा इसमें कूलर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मी इनको बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए आपको ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और शॉर्ट कोट है तो आपको यार इसको किसी भी चीज़ से ग्रूमिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बड़े आसानी से ग्रूम हो जाएंगे। देख सकते हो इसके बाल भी बहुत कम झड़ रहे हैं, तो यार कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके। नहीं, क्या कर रहे हो, गोदी में क्यों बैठे हो, इधर बैठो। अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की। तो यार इसको आप जितना सोशल करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, आप इसे बचपन से ही दूसरे डॉग्स के साथ या फिर दूसरे जानवरों के साथ मिलवाओ। मेरे घर में गाय वगैरह भी और मेरे छोटे पेट भी हैं, जैसे टर्टल हो गया मेरे पास है, और उसके अलावा मेरे पास रैट भी है और मिट्टू भी है, मतलब पैरेट। तो यार किसी को कुछ नहीं करती है, तो आपको बचपन से इसे सोशलाइज़ करना होगा इंसानों के साथ और दूसरे चीज़ों के साथ। और रही बात इसकी ट्रेनिंग की, तो यार बहुत ईजिली ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रेंड होते हैं। नो भी, जैसा कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसकी ट्रेनिंग की कुछ वीडियोस, तो काफ़ी इजीली ट्रेन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बट इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि बाहर वाले जो जानवर होते हैं उनके सामने थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो यार उसके लिए आपको थोड़ी मोटी चैन वगैरह का जब आप घुमाते हो तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि पावर यार बहुत ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा, तो ये चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा। और एनर्जेटिक यार बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और इनकी डाइट की अगर बात करें तो इनको थोड़ी अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितने भी बुली ब्रीड्स हैं आपको उनको बनाना पड़ता है, इसकी जो मसल्स होती है या फिर उसका जो साइज़ होता है वो आपको स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, तब वो ऐसे होते हैं। नहीं तो बाकी तो यार सब चीज़ सही है।
आप अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। और यार कोई कंपलसरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी चली गई वहाँ पे। तो यार गाइस अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं। तो यार सिक्योरिटी के लिए बेस्ट रहेगा, तो अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है, रॉटविलर है, पिटबुल है या फिर कोई भी ब्लू ब्रीड है, तो यार आपको सिक्योरिटी की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासकर पिटबुल के मामले में। अगर इसका नाम ही काफ़ी होता है सिक्योरिटी के लिए, आपको अगर ये आसपास विनय नहीं करो नाटक, तो अगर कहीं पे भी है किसी घर पे है तो आपकी खुद हिम्मत नहीं होगी अंदर जाने, क्योंकि आपको पता है इसका नाम कितना ख़राब है। तो इसका आप इस चीज़ में एडवांटेज जरूर ले सकते हो। बाकी यार कोई भी डेंजर वाली बात नहीं, आप इसे आसानी से रख सकते हो कहीं पे भी किसी वेदर कंडीशन में, और आप कोई भी हो आप रख सकते हो इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।